हेलो एवरीवन, मैं रुखसाना सैफ़ी सैफ़ीज़ किचन में आज आपका तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ मटन स्टू की रेसिपी, जो बेहद टेस्टी बनने वाली है। सो लेट्स सी हाउ टू मेक इट। तो यहाँ मैंने पैन को गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें मैं ऑयल डालूँगी। तो यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, आप कोई भी ऑयल जो आप खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने मटन लिया है, 1 kg मेरा मटन है। तो यहाँ मैंने ये विद फैट लिया है, आप चाहे तो फैट को रिमूव कर सकते हैं, जितनी भी फैटी स्किन है आप उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ फैट के साथ बना रही हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर दिया है। अब चूंकि मैं इसे विद फैट बना रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ ऑयल कम लिया है, आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हैं। वैसे भी स्टू में ऑयल ज़्यादा ही जाता है, तभी अच्छा लगता है स्टू, तो मैंने यहाँ कम ही लिया है। तो ऑयल यहाँ गर्म हो गया है तो मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च। ये मैंने 3 हरी मिर्च ले ली थी जिनको मैंने कट कर लिया है, और ये मैंने लिया है गार्लिक पेस्ट 1 tablespoon, और 1 teaspoon मैंने लिया है यहाँ जिंजर को मैंने यहाँ क्रश करके लिया है। आप एज ए पेस्ट भी इसको ले सकते हैं या आप इसे क्रश करके भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लहसुन और अदरक का पेस्ट अगर तेल में डाल रहे हैं डायरेक्ट, तो ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो तेल, ये ध्यान रखें, नहीं तो छींटे आएंगी। और चॉप करके डालेंगे तो छींटे नहीं आएंगी, इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने यहाँ लहसुन का पेस्ट डाला है और अदरक को मैंने क्रश करके डाला है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी ले सकते हैं। तो बस यहाँ मैं 1 मिनट के लिए इसे सौटे करूँगी। तो ये 1 मिनट में मैंने इसे सौटे कर लिया है, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी अब अपना मटन, और मटन के साथ ही मैं इन सारी चीज़ों को एक साथ फ्राई कर लूँगी। तो ये मैंने इसमें मटन शामिल कर दिया है, तो इसको मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये वाइट कलर का नहीं हो जाता है, तो तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब लहसुन अदरक और हरी मिर्च और मटन एक साथ हम इनको स्टर करते रहेंगे और ये अच्छे से सब एक साथ फ्राई हो जाएंगी। तो ये देखिए, ये हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, वाइट कलर का हो गया है। तो अब हम इसमें अपने ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हमने लिया है 3 tablespoon मोटा कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया हमने क्रश कर लिया है, ये हमारा घर का कुटा हुआ मोटा धनिया है। और ये मैंने 1 teaspoon टर्मरिक पाउडर लिया है, 1 teaspoon मैंने यहाँ जीरा लिया है साबुत, और 1 teaspoon मैंने यहाँ चिली पाउडर लिया है, और ये 1 teaspoon ही मैंने यहाँ गरम मसाला लिया है, और ये मैंने लिया है 2 teaspoon सॉल्ट, ये सेंधा नमक है जो फ़िलहाल हम अभी हम इसे ही फॉलो कर रहे हैं, आपके यहाँ जो खाते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने सब शामिल कर दिए हैं, तो इनको हम मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ साथ ही मैं यहाँ ये टमाटो ले रही हूँ, तो ये टमाटो मैंने 3 टमाटर लिए थे जिनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं या आप बाज़ार की प्यूरी भी डाल सकते हैं, टमाटो प्यूरी, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और ये मसाले हमारे टमाटर के साथ साथ ही अच्छे से भुन जाएंगे इसके पानी में ही, क्योंकि टमाटर भी हमारे पानी छोड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को मैं 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, तो मैं इसमें ये स्लाइस की हुई अनियन भी इसमें ऐड कर देती हूँ। तो ये मैंने 3 प्याज ली थी बड़े साइज़ की, उनको मैंने स्लाइस कर लिया है, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब मैं इनके साथ भी इसे 3-4 मिनट के लिए भून लेती हूँ। ये देखिए, अच्छे से भुन गई हैं हमारी सारी चीज़ें। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी कर्ड यानी कि दही। तो दही मैंने यहाँ 1/2 कटोरी लिया है, यानी कि 200 ग्राम दही इसमें आप ऐड कर दें। तो इसको मैं एक जगह पर डालकर अच्छे से ऐसे स्पैचुला से इसको हिला दूंगी, मिला दूंगी अच्छे से, या तो आप फेंट कर डालें, अगर आप फेंट कर नहीं डाल रहे हैं तो आप इस तरह से स्पैचुला से मिला दें एक जगह ही। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसे पूरा मिला देते हैं इस तरह से, और इसे भी अच्छे से हम भून लेते हैं 4 मिनट के लिए, क्योंकि हमने दही डाला है इसमें। तो भुनाई का जो प्रोसीजर इसमें चल रहा है, इससे हमारा स्टू और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। अच्छे से इसको भून लें,
तो ये देखिए हमारा ऑयल सेपरेट होने लगा, सेपरेट हो गया है हमारा ऑयल और ग्रेवी भी इसमें बन चुकी है भूनते भूनते। ये देखिए इस तरह से ये बुलबुले आ रहे हैं झाग टाइप में, तो समझ लीजिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। तो अब मैं इसे 4 मिनट के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पर थोड़ा पकने दूंगी। तो ये देखिए हमारे 4 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं जिससे कि हमारा मटन टेंडर होना है। तो हम इसमें 2 कटोरी पानी इसमें ऐड कर देते हैं जिससे कि हमारे ये पीसेस डूब जाएं, क्योंकि हमें यहाँ मटन को टेंडर करना है, गलाना है। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए रख देते हैं मीडियम फ्लेम पर और 15 मिनट बाद हम इसे बीच में एक बार चलाएंगे। ये देखिए 15 मिनट हमारे हो चुके हैं, तो हम इसे थोड़ा सा स्टर कर देते हैं बीच में। और ये जो हमने साबुत मिर्च ली हैं, ये 6-7 हमारी साबुत मिर्च हैं, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं और फिर हम इसे 15 मिनट के लिए फिर कुक करते हैं। तो अब हमने इसे खोल के देखा है, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा गला है या नहीं। तो ये अपने अपने मटन के ऊपर होता है, कोई कितनी देर में गलता है, कभी किसी में कितना टाइम लगता है, तो आप उसी हिसाब से इसमें कुक करें। और अब मैं लास्ट में इसमें नींबू ऐड कर दूंगी, तो गैस को ऑफ़ करने के बाद ही नींबू ऐड करें। और अब मैं इसमें नींबू स्क्यूज़ कर देती हूँ। तो नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिया है और मैंने अच्छे से इसको मिक्स करके और इसे अब मैं डिश आउट कर लेती हूँ। मटन स्टू हमारा रेडी है। तो ये देखिए हमारा कितना लाजवाब स्टू बन के रेडी हुआ है। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी सभी रेसिपी पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सप्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल माई नोटिफिकेशंस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।